अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। फ्रेंच फ्राइज़ बहुत तरीक़े से बनाई जाती हैं, लेकिन आज मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको बना रही हूँ। इस तरह बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो है, ये 5 मीडियम साइज़ आलू थे जो कि मैंने जिसको छिलका उतार के कट करके फ्रेंच फ्राइज़ स्लाइसर था मेरे पास, मैंने उससे कट कर लिया। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप छुरी की मदद से उसको कट कर लें और इसको पानी में भिगा दें ताकि इसका जितना भी स्टार्च होगा वो पानी में निकल जाएगा। इसके अलावा हम इसको बॉईल करते हुए जिस चीज़ के हमें डालना पड़ेगा वो है 1/4 टीस्पून हल्दी जो कि इसको बहुत अच्छा कलर दे देगी, और 1 टीस्पून सॉल्ट, और ये है कॉर्नफ्लोर जो हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन ये इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, जितनी अगर आपके आलू बॉईल करने के बाद अगर उसमें नमी ज़्यादा रहेगी तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से जो मैं प्रोसीजर बताऊंगी उसको फॉलो करेंगे तो ये कम इस्तेमाल होगा। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। चलें अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बनाना। ये देखिए, मैंने एक बड़ी सी पतीली में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और पानी में बॉईल आने के बाद हम इसमें हल्दी और ये नमक शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। अब इसके बाद जो मैंने आलू काट के रखे थे इसको बहुत आराम से जो है इसमें आप डाल दें। अच्छा, ये हम जब डालेंगे तो क्या होगा कि पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बस हमें उस वक्त तक इसको पकाना है दोबारा जब तक दोबारा से बॉईल, देखिए अब ये बॉईल आना ख़त्म हो गया है जो कि बॉईल हो रहा था पानी। अब क्या होगा कि दोबारा से जब पानी में बॉईल आना शुरू होगा तो उस वक्त हम इसको निकालेंगे और इसको छलनी में छान लेंगे। बस ये इतना ही पकाना है, यानी कि 1 से 2 मिनट में, फिर मैं छलनी में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पानी में बॉईल आया और मैंने इसको छान दिया। इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है क्योंकि इसको फ्राई होना है, बस इसको हमें ब्लांच करना था और मैंने इसको फिर छन्नी में निकाल दिया है। अब इसके लिए हमें एक बड़े बाउल में ठंडा पानी लेना है, क्यूब्स डाल दें, अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो क्यूब्स डाल दें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये फ्राइज़ गरम गरम उठानी है और फिर इसमें डाल के मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इसमें ठंडे पानी में छोड़ देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब मैं इस बाउल में जो ठंडा पानी है इसको मैं दोबारा से छलनी से छान के इसको 2 मिनट के लिए रखती हूँ, तब तक इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल सकता है वो निकल जाए, फिर मैं इसको आगे अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से क्लीन करूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, जितना इसका एक्सेस पानी निकलना था इसमें निकल गया है, और इसको फ़ैन में रख दें ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक इस तरह से ये ट्रे में जो है ना टिश्यू पेपर आप डाल दें और उसको सारी फ्राइज़ को इसके ऊपर डाल दें। डालने के बाद इस तरह से एक दूसरे पेपर से जितना इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो ताकि निकल जाए। इसको मैं अच्छी तरह से दबा दबा के, ज़्यादा नहीं पुश करना है कि फ्राइज टूट जाएं, बस इस तरह से करना है कि जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा इसमें वो इस टिश्यू पेपर में आ जाएगा। फ्राइज़ को मैंने अच्छी तरह से दबा दबा के अच्छी तरह पुश करके जितना हो सकता था वो इसको मॉइस्चर इसका वो कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि एक छन्नी लेके और उसमें ये सारी फ्राइज़ डाल दूँगी। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस तरह से करने से एक तो फ्राइज़ क्रिस्पी भी बनती हैं, फिर उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और कम अज़ कम 15 से 20 दिन तक आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें मैंने फ्राइज़ डाल दी हैं। अभी जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर है ये मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा नहीं, जितना इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा ये खुद ही कर लेगा। और ये करने के बाद इसको ये देखें, इस
तरह ये होगा कि छलनी में रखने से आपका कॉर्नफ्लोर एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अब ये जो हमारे पास नीचे आया है इसको हम दोबारा से इस पर डाल देंगे और इसको बस ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये इस पर कोट हो गया है और ये बहुत है। बस अगर अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो इसी स्टेज पे आप क्या करेंगे कि एक एक फ्राइज़ उठा के ट्रे में बटर पेपर लगा के और उसको अलग अलग चिपकी भी नहीं होनी चाहिए आप उस पर फैला दें और फिर उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दें। एक दिन के लिए पूरा इसको फ्रीज़ रहने दें फिर उसके बाद उसको ट्रे निकाल के किसी भी ज़िपलॉक बैग में डाल के और इसको आराम से फ्रीज़ कर लें। जब आपको फ्राई करना हो तो निकालें और बाहर नहीं रखें, निकाल के फ़ौरन ही उसको फ्राई कर दें। अभी मैं इसको फ्रीज़ नहीं करूँगी, मैं इसको डायरेक्ट आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ये आपके सामने मैंने एक ये आप देखें कि मैंने एक आलू जो है वो डाल के मैंने चेक भी कर लिया है। अब मैं इसमें आराम से जो है बाकी की बहुत आराम से ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि एकदम से क्या होता है कि फिर टेम्परेचर उसका जो है वो डाउन हो जाता है। बस हमें जितनी फ्राई करनी है एक वक्त में ईजीली जितनी इसमें कढ़ाई में आ सकें बस हम उतनी डालेंगे और इसको बग़ैर हिलाए थोड़ी देर रहने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको हिला दूंगी और ये देखें आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई हो रही हैं और उसको जब तक के फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ना हो जाए और आराम से हम हिलाते रहेंगे ताकि इक्वली कलर आ जाए हर तरफ। इस पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और इससे ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसको एक टिशू लेके प्लेट में टिशू रखकर मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, केचप के साथ सर्व कर दिया है, क्रिस्पी बहुत अच्छी बनी है, कलर भी बिल्कुल इक्वल है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।